एक बाप होता है जो अपने दर्द को वो अंदर रखता है, कभी बाहर नहीं आने देता है, लेकिन कभी कभी वो जब नहीं बर्दाश्त कर पाता है तो बाहर आ जाता है। इतना साल जिसका बच्चा बाहर है, माँ कैसे रहेगी? रोते बोते सर ने नहीं रहता था। सुबह का इंतजार कब 8 बजेगा, कब यहाँ से सब लोग लेने जाएंगे। अंदर से बस ये हो रहा था कि कितनी जल्दी ये समय बीत जाए, बस सामने आ जाए, अपने सीने से लगा लूं। साल बाद आए उस दिन, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि हाँ हमारा लड़का कुछ बन के आएगा। जब इतने दिन का त्याग किया है, हमसे नहीं मिला है, तो भगवान से ही मना रहे थे कि कुछ बन के भगवान वापस करना उसको मेरे पास। साल के थे, इनको लगा कि इतनी मेहनत करते हमारा नाम नहीं आ रहा किसी चीज में, तो सर इन्होंने कहा कि हम वहाँ दिल्ली जाएंगे। अपने पापा से बोला, हमसे भी बोला। मैं जब दिल्ली गया तो मैंने 3 दिन बाद फ़ोन किया पापा को। सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी पापा को करने की। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने उठाते ही सीधा रोने लगी, कहाँ हो, क्या है, ऐसा। हमको तो तकलीफ बहुत हुई, लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचे तो कार्तिकी की मतलब जाने दो, हम रह लेंगे किसी तरह। फिर पापा ने सीधा फ़ोन लिया उन्होंने, वो गुस्से में बोलने लगे, क्या है, मतलब अपनी मर्जी का कर रहा है। और थोड़ा सा गुस्सा होते ना कि ये 3 दिन से परेशान थे, तो उन्होंने बोला जब अपनी मर्जी का कर रहा है तो फिर ये भी ध्यान रखना कि अब गया है तो कुछ करके आना। मैं उस टाइम बच्चा ही था, अगर मैं शायद दिमाग से सोचता तो शायद नहीं निकलता। बस ये एक था कि मैं कुछ भी हो जाए क्रिकेटर बन जाऊं। जब ये दिल्ली में अकेडमियों के धक्के खा रहा था तो 10-10 रुपए बचाने के लिए पैदल चलता था। दिल्ली में रेंट पे रूम लो तो वो काफ़ी महंगे थे, तो मैंने सोचा कहीं बाहर लेते हैं दिल्ली से। फिर उसके बाद वहाँ से मैं अप डाउन करता था दिल्ली डेली, ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लग जाता था, 6 घंटे ट्रैवलिंग में जाने में और 4 घंटे आने में, टोटल 10 घंटे तो ट्रैवलिंग में लगते थे। रात को 1:30-2 बजे से मेरी जॉब रहती, वो मैं सुबह 5 बजे तक जो मेरा सोने का टाइम होता था वो ट्रैवलिंग में, जो मैं ट्रैवलिंग कर रहा उसमें सोता था मैं। कई बार तो मैं उस बस में सो के निकल जाता था आगे, क्योंकि जब मैं खोलता आँख तो कोई बस में है ही नहीं। जब मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ था, उस जब मेरा नाम आया था तो मैंने सीधा पापा को फ़ोन मिलाया, क्योंकि वो पहली बार फ़ोन था जब मैंने 6 साल में उनको पहली बार फ़ोन मिलाया था। फ़ोन किया भैया ने तो बोला कि पापा रणजी में सिलेक्शन हो गया। मैं बोला क्या, तो बोला रणजी में सिलेक्शन हो। मैं सर मतलब क्या बोले, भर भर आंसू गिर रहे थे। मैं भागता हुआ मोबाइल लिए मम्मी के पास पहुँचा, वो एकदम घबरा सी गई, क्या हो गया। अब मेरे जबान से कुछ निकल नहीं पा रहा था। मैं बोला कि भैया का सिलेक्शन रणजी में हो गया, किसी तरीके से मैं उनसे कह पाया। तो उन्होंने इसे पकड़ के मुझे सीने से लगा लिया, कहा पागल हो गया, इतनी अच्छी खबर है तुम रो रहे हो। जब मैं छोटा था तो मैं पापा के पास लेटा था, वो मेरे को एक कहानी सुनाते थे, बेटा जब घर से निकलेगा ना तो 2 रास्ते मिलेंगे, एक गलत रास्ता होता है, एक सही रास्ता होता है। गलत रास्ता होगा, आसान रास्ता होगा वो, और जो सही रास्ता होगा वो थोड़ा कठिन होगा। तो मैं जब वहाँ पे था तो मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान रखता था कि अभी मेहनत कर लूँ, बाद में इसका फल मेरे को मिलेगा। सच बताओ तो मेरे को कहीं आइडिया भी नहीं था कि मैं टीम में आने वाला हूँ। पहले मुझे राहुल सर का फ़ोन आया
मतलब जो हमारा टीम मीटिंग रूम है उसमें आ जाना। मैंने जब गेट खोला तो रोहित भैया सब बैठे हुए थे, तो रोहित भैया ऐसे उठे और ऐसे शोल्डर पे हाथ रखा, कैसा है? मैं कहा भैया एकदम बढ़िया। कहते कैसा लग रहा है? मैं कहा बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहा चल तेरे को एक चीज़ और बताता हूँ, कल रेडी रहे, कल खेल रहे हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे रह गया, फिर मेरे को उन्होंने बोला जैसे प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग कर रहा है बस वही करना, और फिर एक ऐसे बोला कि चल तू डाल टेंशन मत ले। और सर जैसे दूसरी बॉल पे विकेट लिया है सर, खड़े हो गए सब सर एकदम, वो खुशी वो ताली सर वहाँ पे पूरा गूंज गया चारों तरफ। मेरे को दो तीन चीज़ें बहुत मतलब पसंद आई मुंबई इंडियंस की। मैं जब टीम में नेट बॉलर गया था तब भी मेरे को सेम ट्रीटमेंट थी प्लेयरों वाली। और एक तो जो मैंने सचिन सर से सीखा कि क्रिकेट की रिस्पेक्ट हमेशा करो, वो मैं अगर कभी ना भूलूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और सर मैं जैसे फैमिली लाइन में पानी लेने जाता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, पर ये जानते तो कार्तिक के पापा जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मतलब थोड़ा सा लेकर के, तो कार्तिक के पापा जा रहे हैं, कार्तिक के पापा जा रहे हैं। मुझे सर वो गर्व महसूस होता है कि देखिए बेटे की वजह से आज मुझे जो है ये मतलब खुशी मिल रही है।